गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्तिभिः सीदसादनम् मेला महोत्सव 2019 प्रोग्राम की पूरी टीम आप सभी ग्वालियर वासियों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। जय बाबा अचलनाथ, जय कोटेश्वर महादेव, जय विंध्यवासिनी मैया, जय खेला देवी मैया और जय अल्लाह अल्लाह के रहमो करम से वाहेगुरु के आशीर्वाद से आप ही के अपने वाले प्रोग्राम मेला महोत्सव 2019 में मैं विवेक शर्मा और मैं अंकित कोष्टी लालू भाई आप सभी का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। गुरु वीरेंद्र शर्मा जी के आशीर्वाद से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और साथ ही बताना चाहूंगा ये अपना क्या है, ये क्यूआर कोड, ये आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। ग्यारह कलाकी व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। हाँ, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसको स्कैन कर सके, सीधा हमारे यूट्यूब अकाउंट से वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही फेसबुक पर आप किसी का नाम सर्च करते हैं ना, नाम सर्च करते हैं, किसी को ढूंढते हैं तो वहाँ पर फेसबुक का भी क्यूआर कोड रहता है, हाँ स्कैनर रहता है, उस स्कैनर से भी आप इसको स्कैन करेंगे। ये हमारे मेले के अंदर शिल्प बाजार में आपको ये स्कैन कोड मिल जाएगा सभी दुकानों पर और मेले के अंदर मिल जाएगा, रेडियो रूम पर मिल जाएगा। आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम पर पहुंच सकते हैं, मेला महोत्सव 2019 के प्रोग्राम पर आप पहुंच सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम, हाँ यूट्यूब पर आपको सर्च करना है ग्वालियर मेला महोत्सव 2019, ट्विटर पर सर्च करना है ग्वालियर मेला महोत्सव 2019, फेसबुक पेज है हमारा ग्वालियर मेला महोत्सव 2019। और आज यहाँ पर कई सारे बच्चे यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं ग्वालियर मेला महोत्सव 2019 के प्रोग्राम में अपने अपने अपना अपना इंटरव्यू देने के लिए और अपना टैलेंट दिखाने के लिए और देखते हैं कि इनमें से आज, हाँ इंजॉय एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी की ओर से एक इनमें से कौन सी बच्ची क्राउन जीतती है, एक क्राउन है, हाँ कौन सी बच्ची बनती है रानी 2019 मेला महोत्सव प्रोग्राम की। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, क्या नाम है गुड़िया आपका? साहिबा। ये कौन है? ये बुआ की लड़की है। ये बुआ की लड़की है? और क्या? पक्का? पक्का। अरे आज तो तुम पूरे परिवार को लेकर आयो। हाँ, आप बुआ की लड़की हो इनके? हाँ बुआ की। हाँ तो इनका नाम तो सारा है, तो पुप्पी हुई ना बुआ तो आपकी? हाँ तो पुप्पी कहते हैं ना। अच्छा पुप्पी की लड़की है? और क्या? हाँ, क्या सुना रहे हो भैया, पुप्पी की लड़की हो आप? नाथ। नाथ सुना रहे हैं? अरे वाह, अल्लाह की आज तो मेहरबानी है आज अपने ऊपर। हाँ भाई साहब बिल्कुल। हाँ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। क्या? तो सुनाइए ना। हसबी रब्बी जल्लल्ला माफी कलमी गैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला सीमित नबी बो जहल गया आका से उसने कहा गर्भ जबी बुला ले हबसी है सुन के कलामत पाक खुदा और फजले में रहमान हुआ मोटी से फत्तर बोला ला इलाहा इल्लल्ला हसबी रब्बी जल्लल्ला माफी कलमी हैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ एक बार तालियां हो जाए नन्ही सी गुड़िया के लिए।
ये पुप्पी की लड़की है आपकी? हाँ। कहाँ रहती हो बेटा? ग्वालियर। ग्वालियर में कहाँ रहती हो? पिछोर की पहाड़िया। पिछोर की पहाड़िया पे रहती है आपकी पुप्पी? क्या? कितने लोग हैं परिवार में तेरा? बता देता, 20-25 हजार। 20-25 हजार लोग है तेरे परिवार में? पुप्पियाँ कितनी है? पुप्पी 8 हजार। चच्चियाँ? 5 हजार। इनके बच्चे कितने हुए? एक के दो दो है। एक के दो दो बच्चे? और क्या? तुम लोग 4 हजार पुप्पियाँ हैं तो दो दो बच्चे 8 हजार बच्चे। आ गया भाई। अरे यार क्या हो गया यार? मैं दिमाग लगा रहा हूँ यार, मैं तेरे परिवार से परेशान हूँ यार। मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हो गया, जब तक शादी हुई है 15 हजार में बढ़ गए। शादी हुई है तो 15 हजार और बढ़ गए? और क्या। कितनी साली है? साली है 6 हजार है। 6 हजार साली है। ससुर कितने है? ससुर दो ही है। ससुर तो दो ही है, मतलब सास ससुर? सास ससुर। तो तुम कभी शादियों में नोता खाने जाते हो? अभी तक अपनी शादी करने ही भूल होते हैं, उसमें नोता खाया हमने तो बस, बाकी किसी की शादी में नहीं गए आज तक। आज तक शादियों में नहीं गए? आज तक नहीं गए भाई साहब। कोई बुलाता ही नहीं है? आज किसी का नोता ही नहीं आता। नोता ही नहीं आता? किसी का नहीं आता। देखो भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, ये कौन है? चाचा है तुम्हारे? चाचा है ये? क्या आप इनके चाचा हो? यस। नोता कभी आता नहीं है आपके परिवार का? नहीं आता, सबका आता है। सबका आता है, मतलब सबका अलग अलग तरीके से आता है। तो क्या खाया है आज तक तुमने? भंडारे खाया हमने तो। भंडारे ही भंडारे खाए? और क्या, भंडारे और अन्नकूट, बस यही खाए? और क्या। तो कैसे परिवार को डिवाइड करते हो भंडारों में अन्नकूट में? इधर उधर चलाते हैं, 1500 उधर, 1500 उधर, आधे उधर, बीच वाले उधर, बाकी मेरे पीछे। बाकी तुम्हारे पीछे। चलो एक और, एक और नन्ना सा बच्चा है, क्या नाम है आपका? अथर्व। अथर्व, ये कौन के लड़के? ये भाई बुआ का लड़का। ये आपकी बुआ का लड़का है? कहाँ रहते हो बेटा? अचलेश्वर बिहार। अचलेश्वर बिहार? अचलेश्वर बिहार में रहते हैं। तो अचलेश्वर बिहार में आपकी बुआ रहती है? हाँ। पक्का? पक्का। तो आपकी मम्मी कहाँ है? ये है आपकी मम्मा। ये सच में आपका भतीजा है ये? हाँ हाँ। है नहीं? बहुत बड़ा परिवार है यार तुम्हारा तो। क्या सुना रहे हो सर? एक पोयम। पोयम सुना रहे हो? सुनाओ। एक छोटी केस्ती मेरे पास नई बनाई, नीली रंगाई और तैर आई पानी में। एक मेंढक बैठा पानी में, उसने देखा मुझको बुला और कूदा केस्ती में। मेरी केस्ती डगमगा गई, उलट गई पलट गई और डूबी पानी में, दुबक दुबक दुबक। अरे वाह बहुत शानदार। गाना भी आता है आपको? गाना आता है? आता है। गाना सिखाया तुमने? और क्या सिखाया ना? आप गाना गाओ, आपका ये बड़ा भाई ये डांस करेगा। चलो आ जाओ, लकड़ी की काठी काठी के घोड़ा। बुआ का लड़का है? हाँ। आपका टैलेंटेड खानदान है यार पूरा। अरे भाई साहब अपन के तो खानदान तो होगा ही होगा। अच्छा 15 हजार लोग हो, तुम्हारे टोटल कितने हो गए? 15 हजार। तो ससुराल वाले? ससुराल। टोटल कितने हो गए? 35 हो गए। अरे यार 35 हो गए टोटल। सुनाओ गाना। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जमाला हथौड़ा, दौड़ा 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 दम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जमाला हथौड़ा, दौड़ा 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 दम उठा के दौड़ा। घोड़ा था गवंडी पहुंचा सब्जी मंडी, बर्फ पड़ी थी घोड़े को लग गई ठंडी, तबक तबक, अरे तबक तबक, इतना ही आता है। इतना ही आता है? क्या हो गया, सब्जी मंडी पहुंच गए? हाँ क्या? सब्जी मंडी पहुंच गए? सब्जी मंडी में वो सब्जी वाले आवाज कैसे लगाते हैं? दस के ढोकला आलू। कैसे? दस की एक किलो मटर। और बाकी? और टमाटर। और क्या भाई साहब, पूरे राजा यही बनाओगे? पूरा राजा यही बनाएंगे हम तो। खाएगा कौन? खाएगा कौन, ये सब लोग खाएंगे हमारे दर्शक ढंग से खाएंगे? खाएंगे। चलो खिलाते हैं। चलो आप थोड़ी सी पहलवानी भी दिखाते हैं। हाँ।
नन्ही सी गुड़िया यहाँ पर मौजूद हुई है और जो बड़ी अच्छी पहलवानी करती है। पहलवानों का भी खानदान है क्या तुम्हारा? हाँ जी। कौन की लड़की है ये? मौसी की। ये मौसी की लड़की है? हाँ। अच्छा, पहलवानी सीख रहे हैं? पहलवानी सीखते हैं। ये तो बिल्कुल वो लग रही है दंगल फिल्म की। गीता गीता बबीता गीता बबीता मुक्तेश्वरी पाल। मुक्तेश्वरी पाल नाम है आपका? हाँ। आप कुश्ती करते हो? हाँ। किसको पटक के दिखाओगे? इसका भाई पिटने के लिए? नहीं। ये भाई आपका पिटने के लिए? नहीं, और भी कुछ लगता है। इनको पिटने के लिए बुक किया है? ये कौन है? ये भी मौसी का लड़का ही है। ये भी मौसी का लड़का है? अच्छा, तो पिटता रहता है नाक की गजी है, पिटते गजे है। अच्छा, चलो देखते हैं इनका टैलेंट। तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल बंधन दंगल बंधन। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल बंधन दंगल बंधन। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल बंधन। धड़कने छाती में जब दुपक जाती है पीठ थपथपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। सांवले हाथी सी हर चुनौती है रे सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाते हैं तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल। ओ भैया बस 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 बस, ओ भैया झांसी की रानी बस 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 बस, टूट टाट जाएगा ये लालू भाई। कैसा लग रहा है पटकवाने? नहीं नहीं, मौसी की लड़की है ना? हाँ। अभी पटकवाऊं? नहीं नहीं, करवाऊं? नहीं नहीं, चित करवाऊं? नहीं नहीं, करवाऊं? मौसी की लड़की है? नहीं भाई जान, अब आएगा बीच बीच में? नहीं नहीं आऊंगा। अब आएगा अपने खानदान को लेकर? नहीं आऊंगा। पटकवाऊं? नहीं। पटकोगे इसे? नहीं। ये मौसी का ये भी लड़का है आपका है ना? भैया भैया है ना, ये छोटा भैया है आपका? मौसी की लड़की है? किसकी लड़की है सही बता? मौसी की। मौसी की लड़की है? जल्दी बताओ। छोड़ दो छोड़ दो, बेचारा छोटा बच्चा है, इसको छोड़ दो। अगर इनका एक्ट पसंद आया एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, गुड़िया के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या नाम बताया था आपने? मुक्तेश्वरी पाल। मुक्तेश्वरी पाल, और एक ना एक दिन ये ग्वालियर का नाम रोशन करेंगे रेसलिंग की दुनिया में। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आन्या। आन्या नाम है आपका? भाई साहब। क्या ये भाई आंटी जी की लड़की है? ये आंटी जी की लड़की है? और क्या? सच में? हाँ। गुस्से में? गुस्से में, अंधेरे में। सच में आप आंटी जी की लड़की? हाँ। कहाँ रहते हो आप? शिवाजी नगर आमखो। शिवाजी नगर आमखो पे आंटी जी रहती है? ये शिवाजी आमखो पे रहती है? हाँ। आंटी जी? आंटी जी पहले वो आंटी जी खाना खा रहे हैं, उनसे मना कर दो, अभी प्रोग्राम देखे खाना नहीं खाए। आंटी जी पहले प्रोग्राम देखिए, आप खाना बाद में। खाना बाद में? वो खाना खा रही? देखो नहीं नहीं, देखो खा रही है, हाथ जोड़ के बोलो। आंटी खाना नहीं नहीं, बाद में। अभी मॉडी का इंटरव्यू हो रहा है ना? है ना? हाँ। ये बहन है आप? क्या पूरा परिवार लेकर आए? पूरा परिवार घुराना है, इतना भाई साहब घुराने लिया, छुट्टी है सबकी। तनखा मिल गई क्या? मिल गई। सबको घुमाने? सबको घुमाने लगा। चलो मैं इनका इंटरव्यू ले लूं। हाँ। हाँ। क्या सुना रहे? सॉन्ग प्रॉपर पटोला नखरा। अरे ये तो बढ़िया अच्छा सॉन्ग है, डांस होगा इस पे तो? ये आ जा, आगे आ जाओ। हाँ आ जा बेटा, आज तू। हाँ हाँ हाँ
आंटी जी की लड़की है ना, गाना गाएंगे, तुम डांस करोगे? कर लेंगे। आज तो तेरा पूरा खानदान है बेटा, चल तू आ जा तू बस। प्रॉपर पटोला नखरा है स्वैक, सूट पट्टे आला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक, ओ मुंडे होके भर के तेनु तक तक के, न चाहो जो हटना लके होके रख के। प्रॉपर पटोला नखरा है स्वैक, सूट पट्टे आला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक, ओ मुंडे होके भर के तेनु तक तक के, न चाहो जो हटना लके होके रख के। ओ लकी लकी मैंने पलोड़ी नी, ओ लकी लानी मैंने लुप लुप लोड़ी नी, होए जला बस ओ गुलाब बस सौ लकी मम्मे ने लिप लप लोड़ी, ओ लकी लानी आने सूटे आली आले पाप सूट पट्टे आला चिव चिव मच पावे, वच लकी लाप लप लोड़ी ने अक लकी मैंने से ना प्रॉप पट। बहुत ही शानदार। हाँ आप गाना अच्छा गाती हैं, आपकी ये आंटी की लड़की। क्या नाम है भैया आपका? सुमित। सुमित नाम है, ये कौन के लड़के हैं? क्या हो गया भाई साहब? इसके खानदान का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखते लिखते मैं बहुत परेशान हो गया। क्या लिख रहे हो इसमें कच्चे चिट्ठे में? इतने दिन हो गए, बारह तेरह दिन हो गए भाई, ये पूरी 3-4 डायरी तो घर पे छोड़े आया मैं। सर्वे कर रहा है तुम्हारे खानदान का, क्या करूँ मैं? इसके साले 7,000, साली 8,000, भाभी की लड़कियाँ 9,000, भाभियाँ 8,000। किस किस को दे दिया यार? भाई साहब 10,000 तेरे 2,000 की तो शादी नहीं भाई, मैं परेशान होगा भाई साहब। चाचा ही रह गए। जोड़ता रहे साहब। क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा डांस करके दिखा रहे हो, और आपका क्या नाम है? आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा तो आप भी डांस करके दिखा रहे हो। कौन है ये? आपके लड़की भूल गया। आप तो तुम भी भूल गए। कौन का वैसे, कौन का लड़के हो आप? किसके लड़के? इसके खानदान में चाचा। चाचा के लड़के? मेरे चाचा के लड़के। कितने चाचा है बे तेरे? चाचा ही चाचा। तो चाचा ही बताओ जी। आगे भैया जी मुनीम रखा है इन्होंने, इसको भी रख लिया, कितनी तनखा दे रहे हैं इसको? देते गए कंचा पानी मिलता गया। कितने चाचा है? 5,671 चाचा का लड़का। 5,671 चाचा का लड़का। तो क्या करके दिखा रहे हैं ये? डांस करके दिखा भाई साहब। इसमें डांस की क्वालिटी है, इनमें डांस की क्वालिटी है। कैसे नापिक आपने डांस की क्वालिटी? कैसे स्कैन किया था? QR कोड से स्कैन कर रहे हो? मोबाइल से स्कैन करो ना इनको। भयंकर वाला। अच्छा और क्या? चलो भैया डांस दिखा दे, इनका गुस्सा दिखा दे। Oh God, one more remix. मतलब 5,671 नंबर के ये चाचा के लड़के। कितने चाचा कुंवारे हैं भैया तुम्हारे? 2,000 चाचा कुंवारे हो गए अभी। 2,000 चाचा? तो कितने लागे? तो कितने बचे? 2,632 2,632 चाचा आपके कुंवारे। देख झूठ बोलता है। देख अंदर घुस जा, अंदर घुस। चाचा दिख गए। तो इनकी कब होने वाली है शादी इनके चाचा की? बढ़ाएंगे ना मेरे को। बढ़ाएंगे ना मैं? बढ़ाएंगे ना मेरे को और पक्का होगी। सम्मेलन से कर देते
सम्मेलन से क्यों कर रहे हो, वहाँ से करो ना, ग्रीन पेटल रिसोर्ट से एंटरटेनमेंट का, वहाँ पर मेहमानों को लाने और ले जाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर है, नवीन गुप्ता जी के पास। नवीन गुप्ता जी के पास चले, खाने का क्या मिलाएंगे? अरे सब कुछ व्यवस्था है, आपको तो कुछ नहीं करना है, चेक काट के देना है, सारी व्यवस्था है उनकी। चेक अभी लगाएंगे अभी, तुम चेक भरते रहो, अभी एक और गुड़िया का इंटरव्यू करता हूँ। क्या नाम है आपका? सालू राजपूत। सालू राजपूत क्या करके दिखा रहे हैं? डांस। डांस, चलिए इनका भी टैलेंट दिखाते हैं आप सभी को। जोरदार तालियां इनके लिए भी। माँ हमारी, सुनाओ। माँ हमारी प्यारी प्यारी, मैं सबसे प्यारी टपक सब क्या, मैं सुनाती मीठी लोली, मैं सुनाती बच्चों मगर तो गाना बनना पड़ेगा, बहुत पछताना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आप क्या सुनाओगे? डांस करना चाहूँ। डांस शुभम साकी, क्या सुनाओगे? पोयम। पोयम मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अड़ा कर दिखाऊं, मन करता है पापा बनकर सब अपनी लंबी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोज जमाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है क्या मन करता है तुम्हारा? कौन का लड़का है? भाभी का। ये भाभी का है। ये भाभी का लड़का, भाभी का लड़का है। क्या मन कर रहा है इनका? ये क्या मन कर रहा है? मेरा तो मन सोने का हो गया है। सोने का हो रहा है। और क्या सुना रहे हो आप? पोयम। सुनाओ। नाम है तिरंबकम स्वरूपाल। तिरंबकम स्वरूपाल। क्या सुना रहे हो? सुनाओ ना। पोयम देता मैं देता है सबको, जम भी तो कुछ देना देगी, सूरज हमें तो नहीं देता, हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती कहती, और का भी तो जिसमें ऐसा हम करना, ऐसा हम कुछ करना सीखे। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? सान्नापाल। क्या सुना रहे हो? डांस करना है। एक बार जोरदार तालियां गुड़िया के लिए भी। अब बारी आती है गिफ्टों की। हाँ, मेला महोत्सव 2019 के ये गिफ्ट अब चालू करता हूँ मैं, और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। हाँ, भगवती डेयरी दूध से। हाँ, ये A2 मिल्क है, वो A1 मिलता है, ये देसी गाय का देसी दूध है, और देसी गाय का दूध तो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है,
और अगर आप 3 महीने की बुकिंग कराते हैं तो 15 दिन के लिए, हाँ, आपको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए 15 दिन का दूध फ्री है इनके यहाँ पर। और अगर आप पकड़िए अगर बुकिंग कराते हैं तो मणिरत्न जो फिल्म आ रही है कंगना रानावत की, उसका एक कपल टिकट भी आपको दिया जाएगा, एक आपके लिए भगवती डेयरी दूध से, एक आपके लिए भी भगवती ये ऋतु एल्युमिनियम से, और एक बेटा आपके लिए भगवती डेयरी दूध से, और एक आपके लिए भगवती डेयरी दूध से, एक आपके लिए ऋतु एल्युमिनियम से, और एक पुप्पी की लड़की, हाँ हमारे उसकी लालू की पुप्पी की लड़की हो ना, एक आपके लिए ऋतु एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम सेक्शन का सारा काम इनके यहाँ पर होता है, ऋतु एल्युमिनियम बौड़ापुर जेल रोड PNB बैंक के ठीक बगल में, ऋतु एल्युमिनियम से एक आपके लिए, एक बेटा आपके लिए ऋतु एल्युमिनियम से, और एक आपके लिए ऋतु एल्युमिनियम से, एक आपके लिए भगवती डेयरी से, एक आपके लिए भगवती डेयरी से, एक आपके लिए भगवती डेयरी से, एक आपके लिए, और एक बेटा आपके लिए भगवती डेयरी से, और आप पीछे खड़े हो, एक आप पकड़ो, एक आपके लिए भी भगवती डेयरी से, को भी दे देता हूँ मैं सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, ये पकड़ो, एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर महाराज बाड़े से, और एक आपके लिए भी सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर महाराज बाड़े से, एक आप दोनों के लिए, आप दोनों बहन भाई हो ना, हाँ, आप कुश्ती अच्छी करती हो, आप सच में पिटते रहते हो घर पर? अभ्यास करते समय ऐसे करती हैं। ऐसा कौन सा अभ्यास है कि बेचारा भाई पिट रहा है, लगे धमाका, धोबी बचा, लगे धोबी भी बचा, धोबी बचा। तुम तो दंगल फिल्म वाले भाई हो हमारे। माँ शक्तिमान खुराना जो पिटता रहता था गीता बबीता से, कैसा लग रहा है पिट के? अरे पाल साहब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहन की प्रैक्टिस करता रहता हूँ रोज। ऐसी प्रैक्टिस के अपनी हड्डियाँ तोड़वा लो। नहीं मैट पे करती हैं। अच्छा मैट पे करते हैं। चलिए एक आपके लिए भी है, ये एक आपके भी देना चाहूंगा मैं, ये सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक बेटा आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग, पकड़ो, एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, और एक आपको भी दे देता हूँ सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए भी सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, एक आपके लिए बॉम्बे नोवल्टी गिफ्ट पैलेस से छतरी नंबर 10 से, एक आपके लिए बॉम्बे नोवल्टी गिफ्ट पैलेस से, एक आपके लिए बॉम्बे नोवल्टी से, एक आपके लिए बॉम्बे नोवल्टी से, एक आपके लिए बॉम्बे नोवल्टी से, आपके लिए ऑल इज वेल दूल्हा घर नई सड़क श्यामू भैया जी की ओर से, यहाँ पर ऑफर भी चल रहा है, अगर आप मेला महोत्सव प्रोग्राम का नाम लेकर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑल इज वेल नई सड़क चंपाबाग अखाड़े के ठीक सामने है, एक आपके लिए भी ऑल इज वेल से, हाँ सारे बच्चों को देंगे गिफ्ट, हाँ बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों को ही गिफ्ट ना मिले तो फिर क्या बात है, एक आपके लिए ऑल इज वेल नई सड़क से दूल्हा घर से, एक आपके लिए ऑल इज वेल नई सड़क से, यहाँ पर ना किराए पर भी शेरवानी मिलती है, एक घंटे पहले दूल्हा पहुंच जाए वहां पे, भाई साहब मेरी बारात चढ़ रही है, और भाई साहब कपड़े नहीं है मेले में पहनने के लिए, अगर दूल्हे की जेब में पैसे भी नहीं है ना तो किराए पर शेरवानी पहना देंगे, घोड़े पे बैठ के बड़े आराम से जाएगा, आज मेरे यार की शादी कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा घोड़े पे बैठ के दूल्हा, बताओ बताओ तो कैसे कैसे जाते हैं, अरे दौड़ के जाएगा, हाँ ससुराल वाले भी और आसपास के कॉलोनी वाले भी कहेंगे हाँ वाह खान साहब का दामाद तो कितना सुंदर लग रहा है, या गुप्ता जी का दामाद कितना सुंदर लग रहा है, फिर भदौरिया जी का दामाद कितना सुंदर लग रहा है, किराए पर भी शेरवानियां मिलती हैं, एक आपके लिए भी ऑल इज वेल दूल्हा घर से, एक बेटा आपके लिए ऑल इज वेल से, एक आपके लिए ऑल इज वेल से, एक आपके लिए ऑल इज वेल से, एक आपके लिए भी ऑल इज वेल से, एक आपके लिए भी ऑल इज वेल से, एक आपके लिए ऑल इज वेल से, एक आपके लिए ऑल इज वेल नई सड़क चंपाबाग के ठीक सामने ऑल इज वेल से, एक आपके लिए ऑल इज वेल से, एक आपके लिए भी ऑल इज वेल से, एक आपके लिए भी ऑल इज वेल से, एक आपके लिए ऑल इज वेल दूल्हा घर से, एक आपके लिए ऑल इज वेल दूल्हा घर से, एक आपके लिए ऑल इज वेल दूल्हा घर से, एक आपके लिए ऑल इज वेल दूल्हा घर से, एक आपके लिए ऑल इज वेल दूल्हा घर से, आप पुप्पी तो नहीं हो छोटू की? नहीं अभी बोल रहा था मेरी पुप्पी घूमने आई है, खो गई है पुप्पी, यही वाली तो नहीं है? मैं वाइसमैन करने वाली जा रहा था अभी के लिए घूमते, यही वाली है? हाँ सच में? सही में? ये आप ही का भतीजा है? नहीं ये नहीं है भतीजा, पुप्पी पहचानी नहीं रही? अगर पुप्पी पहचानो लेंगे चश्मा निकाल के दिखाओ, अब तो पहचानो, पहचान गए, तो पुप्पी को भी दे देता हूँ मैं ऑल इज वेल दूल्हा घर से, एक आपके लिए भी, और आपने टैलेंट दिखाया है, हाँ इन्होंने टैलेंट दिखाया है डांस का, इनको भी एक देते हैं हम, ये
सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर मनोज भैया जी की ओर से एक आपके लिए ये देखिए कितनी सुंदर, ये आप अपने मोबाइल में लगाना और बिल्कुल शानदार है। एक आपके लिए, एक बेटा और कौन रह गया, आप रह गए हो, एक आपके लिए भी ऑल इज वेल से, और एक आपके लिए है केजीएन कंप्यूटर सेंटर से, एक आपके लिए भी बेटा केजीएन कंप्यूटर सेंटर से। ये केजीएन कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पर सारे कोर्सेस होते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, डीसीए पीजी डीसीए सारे कोर्स यहाँ पर होते हैं। रॉक्सी टॉकीज के जस्ट पीछे ही है केजीएन कंप्यूटर सेंटर, से कितकार और सालू भाई की ओर से एक आपके लिए, और एक आपके आपके लिए भी है केजीएन कंप्यूटर सेंटर से, और एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर और हमारे मनोज जी की तरफ से एक आपके लिए। मेला महोत्सव 2019 की, हाँ ये क्वीन आज देखते हैं कौन सी गुड़िया क्वीन बनी है। एंजॉय एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी, हाँ अगर आपके घर में शादी है या आपके घर में लेडीज संगीत है या आपके घर में कोई भी शुभ कार्य है तो एंजॉय तो होगा ही। ग्रीन पेटल रिसोर्ट, सुप्री लिंक रोड और एंजॉय एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी जो आपके हर शुभ कार्यों में आपके साथ, और सारी टेंशन आप उन पर छोड़ दीजिए। और शहर से अचलेश्वर मंदिर से मात्र 6 मिनट की दूरी पर है ग्रीन पेटल रिसोर्ट। ग्रीन पेटल रिसोर्ट किटी पार्टी हो या आपकी कंपनी पार्टी हो सबके लिए वो बुक करते हैं, और साथ ही बेहतरीन डेकोरेशन, और हमारे ग्वालियर की नंबर वन इवेंट कंपनी एंजॉय एंटरटेनमेंट की ओर से आज की क्वीन है क्या नाम बताया था आपने, मुक्तेश्वरी पाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुक्तेश्वरी पाल के लिए। और मैं पब्लिक में से एक को बुलाना चाहूंगा, किसी महिला को जो इनको ये क्राउन पहनाएंगी। मेरे साथ मौजूद हैं दीपा भदौरिया मैम, मौजूद हैं मैम, आप अपने हाथों से आज के प्रोग्राम की ये क्वीन बनी है तो इनको अपने हाथों से इनको ये ताज पहना दीजिए। मेला महोत्सव 2019 के आज के प्रोग्राम का यानी कि संडे का इन्होंने ताज पहना है, एक बार मुक्तेश्वरी पाल के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। एक मैं आपको भी देना चाहूँगा मैम, ये भगवती डेयरी फार्म से एक आपके लिए ये प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए ये, हाँ आप हमारी चीफ गेस्ट बनी थी मेला महोत्सव प्रोग्राम की और आपने ये गुड़िया को क्राउन पहनाया, एक आपको भी देना चाहूंगा। सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, ये फास्ट चार्जर है मनोज भैया जी की ओर से एक आपके लिए, और सुनील भैया जी की ओर से ये फास्ट चार्जर एक आपके लिए, आपके लिए भगवती डेयरी फार्म से एक आपके लिए, भगवती डेयरी दूध से एक आपके लिए, ए टू दूध भगवती डेयरी दूध दीनदयाल सिटी मॉल में इनका ऑफिस है, एक आपके लिए भगवती डेयरी दूध से मिल गया आपको, एक आपके लिए भगवती डेयरी दूध से, और एक बेटा आपके लिए, आपके गिफ्ट कहाँ चले गए, हाथ में रखो आगे रखो, एक आपके लिए भगवती डेयरी से, एक आपके लिए, एक बेटा आपके लिए भगवती डेयरी से, और एक और प्यारा सा गिफ्ट है एंजॉय एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी की ओर से, एक और प्यारा सा गिफ्ट है, और ये गिफ्ट जाता है क्या नाम बताया था आपने, साहिबा आगे आओ ये साहिबा को जाता है नवीन गुप्ता जी की ओर से, और साथ ही एक स्कीम और स्टार्ट होने वाली है लकी ड्रॉ में आप लोग यहीं पर आकर हमारे पास जमा कर सकते हैं। मैं जो लकी ड्रॉ दूंगा सारे बच्चों को और बड़ों को, उस लकी ड्रॉ में अगर लास्ट में आपका लकी ड्रॉ में नाम ओपन होता है तो आपके लिए 3 नाइट और 2 डे यानी कि 3 डे या 2 नाइट का आपको स्टे दिया जाएगा कहीं बाहर, मनाली या शिमला या गोवा, कहीं पर भी आप घूमना जाना चाहते हैं वहां का आपको नवीन गुप्ता जी की ओर से दिया जाएगा एंजॉय एंटरटेनमेंट की ओर से। हाँ ग्वालियर की नंबर वन कंपनी एंजॉय एंटरटेनमेंट इवेंट कंपनी की ओर से एक आपके लिए, ग्रीन पेटल रिसोर्ट से नवीन गुप्ता जी की ओर से एक आपके लिए ये प्यारा सा गिफ्ट। ये सिप कलेक्शन छतरी नंबर 10 से अजय भैया जी की ओर से सिप कलेक्शन से एक आपके लिए बेटा, एक आपके लिए सिप कलेक्शन से, एक आपके लिए भी सिप कलेक्शन छतरी नंबर 10 से, एक आपके लिए सिप कलेक्शन छतरी नंबर 10 से, एक आपके लिए सिप कलेक्शन से, एक आपके लिए सिप कलेक्शन से, एक आपके लिए भी सिप कलेक्शन से, एक आपके लिए सिप कलेक्शन छतरी नंबर 10 से, और एक आपके लिए एसआर कलेक्शन छतरी नंबर 10 से, और एक एसआर कलेक्शन महाराज बाड़ा से अजय, ये हमारे संतुलकर जी की ओर से, पप्पू भैया की ओर से एक आपके लिए एसआर कलेक्शन से, एक आपके लिए एसआर कलेक्शन से, और एक आपके लिए एसआर कलेक्शन छतरी नंबर 10 से, एक आपके लिए एसआर कलेक्शन छतरी नंबर 10 से, एक आपके लिए एसआर कलेक्शन से,
और एक आपके लिए एसआर कलेक्शन से, एक आपके लिए डीके मोबाइल जोन से, एक आपके लिए डीके मोबाइल जोन से, और एक गुड़िया एक आपके लिए डीके मोबाइल जोन भोड़ापुर से, एक आपके लिए डीके मोबाइल जोन भोड़ापुर जेल रोड तराहे पर। इनके यहाँ पर ना 0% यानी कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, ऑनलाइन भी हो, वो भी 0% फाइनेंस कर रहे हैं धीरज गुप्ता जी। हाँ, भोड़ापुर जेल रोड तराहे के और पीएनबी बैंक के ठीक सामने, एक आपके लिए डीके मोबाइल जोन से, एक आपके लिए भी हरियाणा हैंडलूम से, छतरी नंबर 4 से। इनके यहाँ पर ना ऐसी रजाई आई है जिसमें 5 से 6 लोग आराम से सो सकते हैं, चाहे जितनी हाइट हो उनकी, 6 फुट की भी हाइट हो वो भी सो सकते हैं, और बच्चे तो ना कम से कम 20 से 25 बच्चे आराम से सो सकते हैं एक ही रजाई में। अच्छा। हाँ, किसी के यहाँ अगर शादी होती है ना उनके यहाँ मिलेगी छतरी नंबर 4 पर। और देखते हैं, हाँ ये भी है आज, ये मल्टीमीडिया फोन, ये आज देखते हैं किसको जाता है बीच वाला जो घेरा बनेगा 3 नंबर छतरी पर, 2:30 से लेकर 5 बजे तक 3 नंबर छतरी पर हम मौजूद रहती है हमारी टीम। और शिल्प बाजार में अगर आप आते हैं, बच्चों का इंटरव्यू कराना चाहते हैं या बच्चों में एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो मिलिए मेला महोत्सव 2019 की टीम से। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है ग्वालियर मेला महोत्सव 2019, फेसबुक पेज पर ग्वालियर मेला महोत्सव 2019, ट्विटर पर ग्वालियर मेला महोत्सव 2019, जैन पर 158, एसआर पर 63 नंबर पर ये प्रोग्राम पढ़ने के पढ़ने प्रसारित होता है। और ये देखते हैं ये मल्टीमीडिया फोन आज, हाँ जो लास्ट वाला एपिसोड होगा ना वो किसके हाथ में जाता है ये मल्टीमीडिया फोन, ये किसके हाथ में जाएगा, और देखते हैं कौन अपना टैलेंट आप सभी को दिखाएगा। तो कैसा लगा आप सभी को? अच्छा। कैसा लगा आप सभी को? अच्छा। सारे बच्चों कुछ ना कुछ मिला ना? मिला। यही तो है मेला महोत्सव 2019, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हमें राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, मगर चलते चलते नहीं मिलेंगे, अभी तो हम 20 फरवरी तक यहाँ पर मौजूद है। आकर मिलिए मेला महोत्सव टीम से। अगर आप प्रोग्राम ढूंढने में असमर्थ हैं तो ये हमारा QR कोड है, ये QR कोड है, हाँ इससे भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो मेरी गाड़ी कैसे चलती है? कैसे चलती है गाड़ी? अब गाड़ी आगे बढ़ती है और चलते हैं अंदर, और भी शोरूम दिखाते हैं और देखते हैं ये मोबाइल आज किसके हाथ में जाता है। 1, 2, 3 मेला महोत्सव 2019 की टीम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरी नंबर 4 पर हरियाणा हैंडलूम के प्यारे से शोरूम के बाहर। हाँ, अगर आप वैवाहिक बेड के कवर लेना चाहते हैं, आपके घर में कोई शादी या कोई फंक्शन आ रहा है, या आपके नए कोई मेहमान आ रहे हैं, आपके लड़के को देख रहे हैं, लड़की को देख रहे हैं, और आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो एकमात्र स्थान है हरियाणा हैंडलूम महाराजवाड़े संजय जायसवाल जी का ये प्यारा सा शोरूम जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपके अगर बच्चे को देखने वाले आ रहे हैं, लड़के को देखने वाले आ रहे हैं, और सोफा कवर चेंज करना चाहते हैं, और उनके सामने आप अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा है और हमारे घर का स्टैंडर्ड, हाँ अगर सोफा कवर चेंज मिलेंगे और जब लड़की वाले देखने आएंगे ना तो पट से लड़के को पसंद करके चले जाएंगे। और ये देखिए ये, हाँ ये देखिए ये पैरदान कवर भी यहाँ पर अवेलेबल है, और साथ ही ये कंबल, कंबल की तो लंबी श्रृंखला है, हाँ एक से बढ़कर एक यहाँ पर कंबल मौजूद है, और बच्चों वाले भी कंबल यहाँ पर मौजूद है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से जो छोटे छोटे बेबी होते ना छोटे छोटे से, ये सब कुछ मिलेगा हरियाणा हैंडलूम के प्यारे से शोरूम में, ये सब कुछ मिलेगा हरियाणा हैंडलूम के छतरी नंबर 4 के प्यारे से शोरूम में। तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी से जल्द आइए हरियाणा हैंडलूम पर और दिल खोल कर शॉपिंग कीजिए। और अगर इनकी जानकारी देते हैं आप, हाँ पूरी जानकारी देते हैं प्रोग्राम के अंदर आकर, तो आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है संजय जायसवाल जी भैया की ओर से। आइए छतरी नंबर 4 पर हरियाणा हैंडलूम के प्यारे से शोरूम पर। अब गाड़ी आगे बढ़ती है। अरे एक चीज तो भूल ही गया, ये QR कोड, ये QR कोड मैं संजय भैया को देना चाहूंगा। भैया ये मेला महोत्सव 2019 का ये QR कोड है, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं फेसबुक पेज पर तो आप इसको स्कैन करें अपने स्कैनर से टूल्स में जाकर, तो आप फेसबुक पेज पर चले जाएंगे, या फेसबुक पर भी जाकर आप फेसबुक के स्कैनर से भी स्कैन करते हैं तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, ट्विटर पर भी जा सकते हैं, और वहां पर भी हरियाणा हैंडलूम का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं।
डायरेक्ट जाकर, अगर आप मेले में घूमने आ रहे हैं, अगर आप मुझे ढूंढना चाहते हैं या प्रोग्राम की रिलेटिव जानकारियां लेना चाहते हैं, तो छतरी नंबर 4 पर ये मिल जाएगा आपको QR कोड। यहाँ पर आप अगर स्कैन कीजिए और आपको प्रोग्राम की जानकारी और यहाँ पर जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर की भी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो भैया एक आपको भी देना चाहूँगा ये QR कोड, पेटीएम के स्कैनर से भी स्कैन करेंगे तो अपना प्रोग्राम खुल जाएगा और हरियाणा हैंडलूम की जानकारी वहाँ पर भी मिल जाएगी। ये QR कोड भैया के लिए। मेरे साथ मौजूद है अभी से एक भैया जी एक और जो ऑफर है ये सर, अभी पैकेज हमने निकाला है नया, मतलब विवाह पैकेज, हाँ इकोनॉमिकल रेंज में। वैसे हमारा विवाह पैकेज था 65,000 का, 55,000 का, बट कस्टमर की डिमांड पर हमने एक और इकोनॉमिकल पैकेज निकाला है 40,000 का, 40,000 का मात्र, उसमें आपको मात्र 40,000 रुपये में। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे मुँह से 44,000 रुपये निकल गया, मात्र 40,000 रुपये में। 45 का भी है, बट जो मिनिमम जो स्टार्टिंग है पैकेज की वो 40,000 से है। पैकेज की स्टार्टिंग है वो 40,000 रुपये में आपको जैसे ये बेड मिलेगा, जैसे आप देख रहे हैं, देखा दिखाएंगे बेड को, ये हाइड्रोलिक बेड है। ये देखिए, आपको ज़्यादा दम भी नहीं लगाना है और बढ़िया, ये देखिए ये इसमें ये सॉकेट लगे हुए हैं और साथ ही इसमें स्पेस भी काफ़ी बड़ा है। इसमें बेड है, ये देखिए इजीली खुल जाता है, इजीली बंद हो जाता है, ये देखिए बंद हो गया। और ये अपना अलमारी है, टू डोर का अलमारी है, वुडन में, और ड्रेसिंग टेबल है, ये इसका बॉक्स है, और नीचे देखेंगे तो दो ड्रॉअर हैं, यहाँ ग्लास अपना लग जाएगा, तो ये ड्रेसिंग टेबल हो गया आपका, तीन चीज़ें हो गई और गद्दा, जैसा कि आपने देखा ये 40,000 रुपये में। अगर थ्री डोर वाली लेना चाहें हम 45,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, और ये अब थ्री डोर की भी बोल रहे आपको मिल जाएगी 45,000। जो दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो, उनको आप क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? और ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो हम लोग ये जो इकोनॉमिकल रेंज में जो दे रहे हैं मटेरियल, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मटेरियल कुछ हल्का है या मटेरियल कुछ कमी है, कमज़ोर है, ऐसा नहीं है, मटेरियल वही है, बट ये कि मेले का ऑफर है। और जैसे कि मैंने बताया कि सेंचुरी का हम लोग बोर्ड यूज़ करते हैं, सेंचुरी कंपनी का, प्लाई भी सेंचुरी का यूज़ करते हैं, बोर्ड भी हम लोग सेंचुरी का यूज़ करते हैं, तो सेंचुरी कंपनी का बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो क्वालिटी में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और टर्माइक प्रूफ बोर्ड होता है, इसकी साल लाइफ टाइम की वारंटी रहती है घुन दीमक सड़न गिलन की और टूट फूट की, और प्लस इसमें जो हम लोग गद्दा दे रहे हैं गद्दे की भी गारंटी है। और जैसा कि आप इसके देखेंगे, फिनिश देखेंगे आप इसकी, एक ऐसा लगेगा जैसे इम्पोर्टेड फिनिश है, एकदम फिनिश मटेरियल होता है, कहीं भी कुछ भी 19-20 कहीं कोई इसमें डिफेक्ट, एक रुपए का भी डिफेक्ट नहीं दिखेगा। आप देखिए बहुत शानदार पीस है, क्लोज से दिखाएंगे आप। थ्री डोर अलमारी जो आप देख रहे हैं मात्र 5,000 रुपये आपके बढ़ेंगे, वैसे 40,000 रुपये में टू डोर है और ये 45,000 रुपये में ये थ्री डोर ये अलमारी भी ये ऑफर में आपको दी जा रही है। तो मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा, अगर इस ऑफर का भी फायदा उठाना चाहते हैं और ये प्यारा सा, इसमें अगर 10,000 रुपये बढ़ा देते हैं इसमें, तो सोफा भी आ जाएगा, सोफा प्लस सेंटर टेबल, मतलब 40,000 में 10,000 रुपये और बढ़ा देते हैं तो 50,000 रुपये में सोफा भी मिल जाएगा, टेबल भी आ जाएगी। ये ऑफर केवल मेला महोत्सव 2019, हाँ प्रोग्राम का नाम लेंगे उनको मिलेगा ये ऑफर। खासियत जैसे मैंने बताया आपको कि ये लाइफ टाइम वाला आइटम है, इसमें हाइड्रोलिक जो हमने लगाया हुआ है, जनरली कस्टमर कहता है कि हाइड्रोलिक खराब हो जाता है, हो जाता है, इसकी भी लाइफ टाइम वारंटी हम लोग देते हैं, लाइफ टाइम वारंटी है, मतलब कुल मिला के ये कि हम लोग वारंटी दे रहे हैं, तो किस बेस पे दे रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है, किस बेस पे आप गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि इस बेस पे दे रहे हैं क्योंकि मटेरियल में दम है, इस मटेरियल की गारंटी अगर दे रहे हैं तो इसमें उस चीज़ का ट्रीटमेंट हम लोगों किया हुआ है, टर्माइक प्रूफ बोर्ड आता है, तो टर्माइक प्रूफ मतलब बोले तो दीमक घुन खत्म हो जाता है इसमें। जनरली और भी आप मार्केट में आप बेड्स देखते हैं, कमर्शियल बोर्ड में बनते हैं, और भी जैसे आप देखते हैं देसी बेड जिसको बोलते हैं, तो वो टर्माइक प्रूफ नहीं होते, उनमें दीमक लग सकता है, घुन लग सकता है ना, प्लस देखने में इतने फिनिश नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया कितना फिनिशिंग वाला आइटम है, स्टैंडर्ड एक जो फर्नीचर दिखता है वो ये दिखता है, वो इतना स्टैंडर्ड नहीं दिखता है, ये स्टैंडर्ड के साथ साथ मजबूत भी है, प्लस लाइफ टाइम वारंटी भी मिल रही है हर चीज़ की आपको इसमें, और इकोनॉमिकल भी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप लाइफ टाइम वारंटी लेना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 8 पर है स्टेटस फर्नीचर, और साथ ही कल का ऑफर 3 से लेकर 5 बजे तक, हाँ 5-सीटर सोफा मिलेगा आपको जिसकी कीमत है 45,000 रुपये, 46,000 रुपये, 40,000 रुपये, मात्र 20,000 रुपये में, और 7-सीटर सोफा मिलेगा आपको मात्र 25,000 रुपये में। आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए, और साथ ही अगर इसमें 10,000 रुपये और जोड़ देते हैं
तो आपको सोफा भी मिल जाएगा, हाँ तो ये भी मिल जाएगा आपको। तो आइए ग्वालियर के व्यापार मेले में, छतरी नंबर 8 पर है स्टेटस फर्नीचर का प्यारा सा शोरूम। मेला महोत्सव 2019 की टीम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर का सबसे प्यारा शोरूम और लोगों की पसंद बन चुका है ऑल इज वेल। और अब हाँ, ये दो मंजिला शोरूम है नई सड़क पर ऑल इज वेल का, और अब मैं दूसरी मंजिल पर हूँ। नीचे वेस्टर्न ड्रेस का शोरूम है, जो आप जींस पैंट शर्ट टी शर्ट या हुड लेना चाहते हैं तो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर ये वेस्टर्न ड्रेसें मिलती हैं। और अगर आपके घर में शादी है और दूल्हा रेडी नहीं है, हाँ दूल्हा तैयार नहीं है, तो दूल्हे को सीधे यहाँ पर लेकर आ जाइए और दूल्हा फट से तैयार हो जाएगा। वैसे कैसा लग रहा हूँ, हाँ टोपी ये सब कुछ मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर किराए पर भी शेरवानियाँ मिलती हैं, हाँ किराए पर भी शेरवानियाँ मिलती हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी के फंक्शन में जाना है, या आप इतनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या आपका पॉकेट मनी इतना नहीं है कि आप नया खरीद सको, तो आप किराए पर भी यहाँ पर ले सकते हैं ऑल इज वेल के शोरूम पर। ये देखिए, हाँ दूल्हा भी रेडी हो जाएगा, टोपियां भी इनके पास दूल्हे की जो, हाँ ये सेहरा भी इनके यहाँ पर अवेलेबल। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा ये प्यारी सी, हाँ ये प्यारा सा कुर्ता और कुर्ते के साथ में ये कोटी, हाँ आपके लुक में चार चांद लगा देगी। और ये प्यारे प्यारे से ये कुर्ते आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये देखिए प्यारी सी शेरवानी, ये साथ ही ये इंडो वेस्टर्न शेरवानी, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है इसका, हाँ अगर आप पहनेंगे तो आपके कलर पर भी सूट करेगा ये प्यारा सा कलर। और अगर आपकी शादी है, हाँ शादी में हटके दिखना चाहते हैं और सबसे फैंटास्टिक दिखना चाहते हैं कि आप जब घोड़ी पर बैठो और जब आपकी बारात निकले तो हाँ लड़की वालों के मोहल्ले वाले भी और कॉलोनी वाले भी देखते रह जाए, हाँ शर्मा जी का दामाद तो बड़ा सुंदर लग रहा है। और प्यारी सी शेरवानी यहाँ पर, अरे ये तो शेरवानी चल रही है, चलती हुई शेरवानी, अरे इसके पीछे तो ये हमारा छोटू दादा, क्या आप कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। इसको कहते हैं महाराजा शेरवानी, महाराजा शेरवानी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इज वेल शोरूम के संचालक श्यामू भैया जी। नमस्ते। मैं कह रहा चाह रहा था, आजकल के लोगों के पास टाइम नहीं है, आजकल की फैमिली सोचती है कि अपन एक ही शॉप पे जाए, हमारा काम हो जाए। छोटे भाई के लिए कपड़े लेने हैं, दादाजी के लिए लेने हैं, चाचा जी के लिए भी लेने हैं, भैया के लिए भी लेने हैं। तो हमारे यहाँ जो कलेक्शन है, एक जींस से लेके, किसी को जींस लेना है, शेरवानी लेना है, सूट लेना है, शर्ट लेनी है, टी शर्ट लेनी है, जो भी एक्स वाई जेड टोटल मेंस वेयर का कलेक्शन हमारी शॉप पे आपको मौजूद मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कैमरे में जो आपको क्वालिटी दिखाई जा रही है, हमारे पास जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कट वाली कुर्ती होती है, कट वाले आजकल शेरवानी चल रही है, एक से एक प्रिंट वाली शेरवानी, लोगों को क्या इस समय मालूम ही नहीं है वैरायटी मिलकर आ रही है। आप एक बार हमारे आए, एक बार कलेक्शन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि वैरायटी होती क्या है। अभी तक लोग आते हैं फैमिली को लेके, भैया को लेके, सब फैमिली को लेके ढूंढते हैं, परेशान होते हैं बेचारे, उनको मिल नहीं पाता कि क्या चीज कहाँ मिलेगी। आप एक बार आए, एक बार कलेक्शन देखेंगे, आपको खुद लगेगा कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। ऑल मेंसवेयर के लिए अपने पास कलेक्शन में आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आपको लगेगा कि हाँ कहीं किसी अच्छी शॉप पे अपन खड़े हुए हैं। मेला महोत्सव 2019 की टीम पहुंच चुकी है, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीके मोबाइल जोन पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीएनबी बैंक के ठीक सामने, बौड़ापुर जेल रोड पर स्थित है डीके मोबाइल जोन। 0% फाइनेंस, आपके सपनों का मोबाइल आपके हाथों में, 0% फाइनेंस के ये शोरूम पर मैं मौजूद हूँ डीके मोबाइल जोन पर। और कई सारी कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं, धीरज गुप्ता जी की ये दुकान पर। आप ये दुकान का नज़ारा देख रहे हैं, ये प्यारे प्यारे से मोबाइल जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अभी मेरे साथ ओनर यहाँ पर मौजूद है धीरज गुप्ता जी। धीरज गुप्ता जी से जानते हैं डीके मोबाइल जोन पर किस किस कंपनी के मोबाइल यहाँ पर अवेलेबल हैं, और साथ ही क्या क्या फाइनेंस सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है।
हाँ जी, तो क्या है हमारे यहाँ पे सारे ब्रांड जो होते हैं ऊपर वाले, एप्पल, आईफोन, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, नोकिया, तो सारे जो मोबाइल हैं वो अपने कम कीमत पर है ना, शहर से सबसे कम रेट पर और फाइनेंस किए जाते हैं। ऑफर भी चलता है अपना जो है 0% डाउन पेमेंट पे, और अपना क्या है कि जो भी सारे मोबाइल हैं कुछ अपने ऑनलाइन भी आते हैं तो वो भी हमारे यहाँ क्या है अवेलेबल हो जाते हैं, और 0% डाउन पेमेंट पे अपना या 0% इंटरेस्ट पे जो भी ऑफर चल रहा होता है कस्टमर के लिए उसके लिए हम फाइनेंस कर देते हैं। 0% फाइनेंस में जो ऑनलाइन ऑनलाइन मोबाइल है वो भी आप 0% फाइनेंस में यहाँ पर मंगा सकते हैं। उसमें क्या है इंटरेस्ट अपना 0% हो जाता है, बाकी कस्टमर की एक जो सिविल स्कोर होता है उस पर डिपेंड करता है अपना कैसा चल रहा है, सिविल स्कोर अगर सही होता है ना तो उसके लिए अपना हो जाता है। और सारी कंपनियों के मोबाइल, सारे कंपनियों के अवेलेबल है जो अपने है ना स्मार्टफोन सारे अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर हाँ हमारे मेला महोत्सव का नाम लेकर कोई दर्शक आता हाँ है मोबाइल खरीदने के हाँ लिए, हाँ तो आप उनको डिस्काउंट, बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा, उसको ऑफर में गिफ्ट भी दिया जाएगा, हाँ गिफ्ट भी दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा गिफ्ट। तो दोस्तों घर ना बैठे रहिए और सीधे डीके मोबाइल जॉन पर आ जाइए, क्योंकि धीरज गुप्ता जी का ये प्यारा सा शोरूम मौजूद है जेल रोड भौनापोर तिराहे पर और पीएनबी बैंक के ठीक सामने। ये देखते हैं ये तकिया आज किसके पास जाता है, स्टेटस फर्नीचर, हाँ ये जादू वाला मैजिक, हाँ ये मैजिक तकिया है, ये देखिए कलर चेंज हो जाता है इसका, ये ब्लैक हो गया, और देखते हैं किसके पास जाता है। मेला महोत्सव 2019 के प्रोग्राम में अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरी नंबर 8 पर, और यहाँ पर भी आज कई सारे सैलानी यहाँ पर आए हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए और आप सभी का एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी सैलानी। और साथ में मैं बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं या देख नहीं पा रहे किसी और नेटवर्क पर, तो मैं बताना चाहूंगा यूट्यूब पर आपको जाना है, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है ग्वालियर मेला महोत्सव 2019। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको पढ़े के पढ़े एपिसोड मिल जाएंगे YouTube पर। और Facebook पेज से जुड़ना चाहते हैं तो Facebook पेज है हमारा ग्वालियर मेला महोत्सव 2019, और ये हमारा QR कोड है, ये QR कोड पंडित सूप कॉर्नर पर, गोल्डन लाइफ इंडक्शन कुकर पर, और बलवीर भैया के पास छतरी नंबर 10 पर भी ये मिल जाएगा आपको, सिप कलेक्शन पर मिल जाएगा QR कोड, और सारे जो दुकानदार हैं वहाँ पर ये QR कोड मिल जाएगा, और कमल रेडियो साउंड पर भी ये QR कोड मिल जाएगा आपको। अगर आप प्रोग्राम से रिलेटिव जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको स्कैन करना है और डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम पर पहुंच जाएंगे मेला महोत्सव 2019 पर। तो आज भी यहाँ पर कई सारे सैलानी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और साथ में ये सर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भैया भाभी, क्या नाम है सर? हेमंत कुशवाहा। आपका? वंदना। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीधी बात सीधा फायदा स्टेटस फर्नीचर के शोरूम पर। सुना रहे हैं? सॉन्ग सुना रहे हैं। सॉन्ग सुना रहे हैं मिलकर? देख रहे हैं यूट्यूब पर? हाँ देख रहे हैं ना, अभी स्टार्टिंग किया, आई से स्टार्टिंग करेंगे अब। अच्छा अच्छा, तो क्या अभी शादी नई नई हुई है? हाँ शादी नई। कितने दिन पहले हुई है? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले हुई है और आज मेले आ गए। भाभी जी कैसा लग रहा है मेले में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज तो खर्चा होने वाला है इनका। हाँ बिल्कुल। क्या क्या खरीदने वाली हो मेले से? जो अच्छा लगे। जो अच्छा लगेगा वो तो एटीएम कार्ड मंगा लिया उसने, जो अच्छा लगेगा खरीद लेगी। अच्छा लगेगा खरीद लेगी, कितने मुस्कुरा रहे हैं, जो अच्छा लगेगा वो खरीद लेंगी। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। अरे बहुत शानदार, दुनिया से अब ना डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। हाँ। और एक और मेरे साथ में कपल मौजूद है, क्या नाम है आपका? ब्रजेश योगी। योगी जी, और आपका? निशा योगी। मेरी शादी है आज, मेरी शादी है। क्या हो गया? आज तो भाई साहब शादी से मत आ गया आज। पूरे मेले में घुमाओगे? ये कपड़ा कहाँ से लेकर आए? ऑरेंज वेल से। ऑरेंज वेल से? और कहाँ पर है रिसेप्शन आपका? रिसेप्शन ग्रीन पैगन रिसोर्ट। अच्छा, नवीन गुप्ता जी के यहाँ? गुप्ता जी के यहाँ।
पूरा डेकोरेशन का काम वही देख का काम करूंगा दे दिया हमको उन्हीं को दे दिया इवेंट में इवेंट पूरा 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 तो ये जगह के जैकटा दो जगेंगे अरे तुम घोड़ा बड़ा शानदार लेकर आयो भाई साहब स्पेशल घोड़ा आज स्पेशल घोड़ा हां स्पेशल घोड़ा स्पेशल स्पेशल घोड़ा रंगा अच्छा हां ए करता है क्या ए सब करता है ये सब करता है हां इसको खाने नहीं देते ये लाठी मारता है लाठी मारता है हां और क्या क्या करता है कभी एक दिन तो मेरे को भगा के ले गया ये तो अभी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं आ गई आपकी भाई साहब लाठी तो क्या कर रहा है शादी में पहननी है तो पहननी हमने अच्छा शादी में पहननी है तो पहन ली मम्मी गई थी किराए पे लाए हो क्या किराए पे क्यों लाया है पैसा में भैया के यहां से श्यामू भैया के यहां से लाए हो क्या और क्या भैया तुम्हारी बारात में कौन कौन डांस कर रहा है आज तो सबको मचाएंगे सबको और क्या सब लोग मिलकर गाना गाएंगे और फिर तुम अपने घोड़े पे बैठ के डांस करना ठीक है हाँ आज मेरे यार की शादी गब्बा दू आज मेरे यार की अरे ये क्या बराती भी आ गए चलती रहेगी अरे ये बराती कहाँ से पकड़ लाए कितने कितने रुपए में पकड़ लाए बराती गंगे है हर गए है कितने लोगों का परिवार है तेरा बता दो ना 25 आएंगे आज तो सबको लेके आएंगे 25 है लोगों का परिवार है आएंगे तो ये कौन कौन के लड़के ये चाची का है ये भाभी का है ये बुआ का है ये मेरा भैया है ये मेरा भैया ये घोड़ा तुम किराए से लेके आए किराए का आए किराए से घोड़ा कौन ने दिया नवीन गुप्ता जी ने तो नहीं दिया जी मेरी आज पूरा अरेंजमेंट पूरा अरेंजमेंट करके दिया मेरी घोड़े में या बस शाम को वापस दे जाना शाम को वापस दे और क्या लात मारता है घोड़ा लात भी मारता है क्या हाँ। कैसे मारता है बस अभी जाएंगे तुमको खाने को देते हैं अबे तुम चलो अपनी बारात लेकर निकलो मैं और लोगों के इंटरव्यू ले लूं भैया इनकी बारात तो ऐसी चलती रहेगी यहाँ ये मेला महोत्सव 2019 प्रोग्राम का जादू क्या नाम है सर आपका ओम प्रकाश बघेल जी क्या सुना रहे हैं गैम्बलर फिल्म का गाना है मेरे पास गैम्बलर फिल्म का गाना हाँ गैम्बलर फिल्म का गाना सुना रहे हैं भाई साहब आगे आ जाओ गैम्बलर फिल्म का गाना तो आगे से सुनेंगे ना तो गैम्बलर फिल्म का गाना लेकर इधर आ जाइए सुनाओ टॉप टाइम जब भी मैं किसी से कुछ कहने जाता हूँ लोग मुझे बोल देते हैं टॉप टाइम हे देखो मेरी बात सुनकर देखो पसंद नहीं तो उसमें करे कहीं देखो पसंद नहीं मैं सब सच कहता हूँ आपकी कसम मैंने पिया नहीं बिस्की बियर या रम मुझे बिल हर किस नाकाम मुझे मंत्रों के दोबारा अरे भाई एक ही साथ में याद है वो आपको तो पूरा का पूरा गाना चारों लाइन है सर अभी आपको भी गिफ्ट दूंगा मैं आ जाइए और मैम भी मौजूद है मैम क्या नाम है आपका अंजू जी क्या सुना रहे हैं सॉन्ग सुना रहे हैं कहाँ पर देखा प्रोग्राम को आपने ये YouTube पे देखा है YouTube पर देखा आपने मेला महोत्सव हाँ तो सॉन्ग लेकर आ रही है इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है शानदार तो एक सॉन्ग सुनवाते हैं आप सभी को कहीं दीप जले कहीं दिल जरा देख ले आकर परवाने तेरी कौन सी है मंजिल कहीं दीप जले कहीं दिल ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ एक दर्द भरी आवाज हूँ पिया दे न कर आमिल कहीं दीप जले कहीं दिल
जरा देख लिया कर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल। बहुत शानदार आप।